फिर अल्लाह ताला मजीद यहाँ पे कह रहे हैं इन्फाक के बारे में, और ये इन्फाक के बारे में जो है वो एक और हुक्म आ रहा है यहाँ पे कि तुमने जो कुछ भी खर्च किया हो, जो नजर भी मानी हो, अल्लाह को इसका इल्म है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं, उन्हें दिखा कर दो तो ये भी अच्छा है, लेकिन अगर छुपा कर हाजतमंदों को दो तो ये तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर, लोगों को मोटिवेशन हो तो फिर इट्स ओके, ठीक है, कोई दिखावा नहीं है इसके अंदर, मगर दिखाना सिर्फ लोगों को मोटिवेट करना है तो इट्स ओके, और छुपा कर देना तो क्या सबसे पसंदीदा है कि बंदा एक हाथ को दे दूसरे हाथ को खबर ही ना हो। तुम्हारी बहुत सी बुराइयां इस तर्ज अमल से महव हो जाती हैं, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को बहरहाल उसकी खबर है। लोगों को हिदायत बख्श देने की जिम्मेदारी तुम पर नहीं, हिदायत तो अल्लाह ही जिसे चाहता है बख्शता है, और जो खैरात पे तुम माल खर्च करते हो तुम्हारे अपने ही लिए भला है, आखिर तुम इसीलिए तो खर्च करते हो कि अल्लाह की रजा हासिल हो। जो कुछ तुम माल खर्च, पूरा पूरा अजर तुम्हें दे दिया जाएगा और तुम्हारी हक तलफी हरगिज ना होगी। खास तौर पर मदद के मुस्तहिक वो तंग दस्त लोग हैं जो अल्लाह के काम में ऐसे घिर गए हैं कि अपनी जाती कस्बे माश के लिए जमीन में कोई दौड़ धूप नहीं कर सकते। उनकी खुददारी देख कर नावाकिफ आदमी गुमान करता है कि ये खुशहाल है, जब तुम इनके चेहरों से इनके अंदरूनी हालत पहचान सकते हो, मगर ये वो लोग नहीं कि लोगों के पीछे पड़ करके कुछ मांगे। उनकी मदद तो उनकी मदद में जो कुछ तुम खर्च करोगे वो अल्लाह से पोशीदा ना रहेगा। अब यहाँ पे किन लोगों पर खर्च करने की बात की जा रही है? कहते हैं ना कि जो अल्लाह के काम में मसरूफ है, दीन पढ़ने में, दीन पढ़ाने में, या दीन की किसी किताबत में, इशाअत में, या किसी और फरीजे में, दौड़ धूप करके किसी वेलफेयर के कामों में। अब देखिए इस तरह के बहुत सारे कामों में बहुत से लोग लगे हुए, मगर वो अपनी नौकरी के लिए, अपनी सैलरीज के लिए नहीं भाग दौड़ कर रहे, वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए भाग रहे हैं। मसरत अहमद ने एक रवायत आती कि जो अल्लाह के चेहरे के लिए सदका करता है, अल्लाह की रजा पाने के लिए, वजहुल्लाह पाने के लिए सदका करता है, उसका आला मुकाम है जन्नत में। यानी कि सदका करने का मकसद है ना कि हम क्यों सदका करें, क्यों अपना माल लोगों के ऊपर खर्च करें, क्यों लोगों के साथ शेयर करें अपना माल। जन्नत छोटी जगह है? जन्नत बहुत बड़ी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। हम सब का दिल चाहता है कि हम जन्नत में जाएं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जन्नत अल फिरदौस मांगो, तो हम सब जन्नत अल फिरदौस में जाना चाहते हैं। तो फिरदौस में जाने के लिए कोई किराया नहीं देना होगा, कोई खर्चा नहीं करना होगा, कोई एयर टिकट नहीं लेनी होगी, कुछ तो लेना होगा ना, तो यही एयर टिकट, यही खर्चा, यही जो है किराया हमें देना पड़ेगा ताकि हम वहां आसानी से जा सकें। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हान तआला हमें सदका करने के ऊपर उकसा भी रहे हैं, और सदका करने का बेहतरीन मकसद ये बता रहे हैं। और दूसरी बात ये भी, आप देखिए ना कि सदका कैसे हमारे गुनाहों को टालता है, बलाओं को टालता है, तो क्यों ना सदका करें इंसान। बहरहाल फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, जो लोग अपने माल को शबो रोज खुले और छुपे खर्च करते हैं उनका अजर उनके रब के पास है, और उनके लिए किसी रंज और खौफ का मुकाम नहीं। यहाँ पर सत्य की आखिरी आयात थी यहाँ तक। अब माल की एक और किस्म की बात हो रही है यहाँ पे, और वो क्या है? الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس, मगर वो लोग जो सूद खाते हैं उनका हाल उस शख्स का सा होता है जिसे शैतान ने छूकर बावला कर दिया हो, यानी कि ऐसा जो कि पागल सा हो गया हो, और इस हालत में उनके मुब्तला होने की वजह ये है कि वो कहते हैं कि तिजारत भी तो आखिर सूद ही की जैसी चीज है, हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। सूद का लेना और देना नाकाबिले माफी गुना है, ये भी गुनाह कबीरा में शामिल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद खाने वाला, खिलाने वाला, उसकी गवाही देने वाला और उसके मामले को लिखने वाले सब पर ही लानत फरमाई है। सूद में मुलव्वस हर शख्स ही गुनाहगार है, और सूद के कम अज कम कहते हैं हदीस के मुताबिक इसके 72 दरवाजे हैं। अब्दुल्ला बिन इब्ने अब्बास कहते हैं कि अल्लाह सूद खोर का ना कबूल करता है, ना ही जहाद, ना ही हज, ना ही सला रहमी कबूल करता है उसका, यानी कि सूद खाने वाला जो कुछ भी नेकियां करे उसको कबूल ही नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूद के जरिए से गुलाम आजाद किया और इससे रिश्तेदारों को दिया तो वो भी उस पर बायसे गुना होगा, यानी कि हराम माल को बांटने से और देने से भी गुनाह होता है, यानी कि सवाब की नीयत से बांटा जा रहा हो कि यार मेरे पास बहुत सारा हराम माल मिल गया है, बड़ी लॉटरी लग गई है मेरी, ये बड़ा मेरा जो है वो बैंक से इतना बड़ा माल का अमाउंट आ गया तो मैं लोगों में बांट दूं, चलो रिश्तेदारों को दे दूं, कुछ नहीं तो मैं रमजान में बांट दूं, तो इसके किसी भी अजर का कोई भी तवक्का और उम्मीद ना रखें, सब कुछ भी मिलने वाला है इसके चक्कर में उसको, या इसके बदले में उसको।
तो क्या कहते हैं कि आखिर तिजारत भी तो सूद ही जैसी एक चीज है, हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल कर दिया है और सूद को हराम किया है। लिहाजा जिस शख्स को उसके रब की तरफ से नसीहत पहुंचे और आइंदा के लिए वो सूद पूरी से बाज आ जाए, तो जो कुछ वो पहले खा चुका सो खा चुका, यानी कि डन इज डन, जो हो चुका सो हो चुका, आज अभी और इसी वक्त। ये हुक्म मैंने सुना और मैंने मान लिया, यही हुक्म है बेसिकली। इससे पहले जो कर लिया था, जो खा लिया था, जो पहन लिया था, डन इज डन, हो गया सो हो गया, उस पर निदामत, शर्मिंदगी और माफी और आगे ना करने का अजम, यही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पे। इसका मामला अल्लाह के हवाले है, और जो इस हुक्म के बाद इसका फिर से शक्त का यादा करेगा वो जहन्नमी है, जहां वो हमेशा रहेगा। अल्लाह सूद का मुठ मार देता है और सदकात को नशोनुमा देता है, यानी कि अल्लाह ताला क्या करता है, सूद की जितनी भी बरकत है उसको खत्म कर देता है, सूद की कोई बरकत ही नहीं है बेसिकली, और सदकात को नशोनुमा देता है। और अल्लाह किसी नाशुक्रे, किसी बदअमल इंसान को पसंद नहीं करता। हाँ, जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करें और नमाज कायम करें और सकात दें, उनका अजर बेशक उनके रब के पास है, और उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका ही नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ए लोगो जो ईमान लाए हो, खुदा से डरो, जो कुछ तुम्हारा सूद लोगों पे बाकी रह गया है इसे छोड़ दो, अगर वाकई तुम ईमान लाए हो। लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया तो आगाह हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। यानी कि ऐलान जंग हो गई है, तो क्या जंग लड़ने को तैयार है, और लड़ेंगे तो क्या जीत जाएंगे? नहीं, इसका मतलब है कि आज ही हम बैकअप हो जाएं, आज ही हम पीछे पलट जाएं और सब कुछ छोड़ दें, यही अल्लाह का हुक्म है। और अब भी तौबा कर लो और सूद छोड़ दो, तो तुम्हारा अपना असल सरमाया लेने के तुम हकदार हो, ना तुम जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। तुम्हारा कर्जदार तंग दस्त हो तो हाथ खुलने तक उसे मोहलत दो, तो सदका कर दो, तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम समझो। उस दिन की रसवाई और मुसीबत से बचो जबकि तुम अल्लाह के पास वापस होगे, वहां हर शख्स को उसकी कमाई हुई नेकी की आबदी का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और किसी पर भी जुल्म हरगिज ना होगा। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब किसी मुकर्रर मुद्दत के लिए तुम आपस में कर्ज का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो। अब यहाँ पर आयत दैन है, सबसे तवील आयत है कुरान पाक की, और सूरह बकरा की भी सबसे तवील आयत यही है। और यहाँ पर कर्ज के बारे में बात हो रही है कि कर्ज के मामला को लिख लिया करो। और अभी मैं से शुरू में डिस्कस कर रही थी कि कर्ज से पनाह मांगना, तो अल्लाह के रसूल ने कर्ज से पनाह मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ुबिका मिनल मा'तमी वल मग़रम। और साथ ही अल्लाह रसूल ने कर्ज से निजात की दुआएं भी बताई हैं, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बि हलालिका अन हरामिका वअग्निनी बि फ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ठीक है, तो ये दुआएं मौजूद है, इसका कार्ड मौजूद है इंशाल्लाह। बहुत सारे कर्ज के लिए दुआएं इसमें लिखी हुई है ताकि जो भी कर्जदार है अल्लाह ताला उनका कर्ज अदा कर दे, वो कर्ज से निजात मिले इंशाल्लाह। तो ये दुआ का पीडीएफ भी हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर लेंगे, तो फिर आप उसमें देख लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, दस्तावेज तहरीर करें जिससे अल्लाह ने लिखने पढ़ने की काबिलियत बख्शी हो, उसे लिखने से इनकार ना करना चाहिए। वो लिखे और इमला वो शख्स कराए जिस पर हक आता है, यानी कर्ज लेने वाला। यहाँ पर लिखने की शरायत बताई जा रही है, अदल के साथ लिखा जाएगा और लिखने वाला इनकार भी नहीं करेगा लिखने के लिए। लेकिन अगर कर्ज लेने वाला खुद ना करा सकता, डिक्टेशन ना दे सकता हो, तो उसका वली इंसाफ के साथ जो है उसको डिक्टेट करवा दे, क्योंकि जो खुद ना लिख सकता उसको कोई और दो आदमियों की इस पर गवाही करा लो। अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द दो औरतें भी, मतलब ये भी गवाही के लिए ऐसा हो सकता है, क्योंकि माल का लेन देन का मामला है ना, कर्ज का, पैसों का मामला है, तो इसमें औरत की गवाही भी ले ली गई है, मगर उसकी दो औरतों की गवाही ली गई है। क्यों दो औरतों की ली गई है? ताकि एक अगर भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे, यानी कि जस्ट सपोर्टर है। ये नहीं कहा गया कि इसमें औरत की गवाही एक है। अब देखे ना, कोई औरत कोर्ट में जाके गवाही देना पसंद करती है? कोर्ट से तो लोगों की जान निकलती है जाने के नाम से ही। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि बस दो इसलिए हैं ताकि अगर एक कुछ भूले, कुछ कंफ्यूज हो जाए, गड़बड़ा जाए, घबरा जाए, डर जाए, तो दूसरी उसको याद दिला दे। ये गवाह ऐसे लोगों में से होने चाहिए जिनकी गवाही तुम्हारे दरमियान मकबूल हो। गवाहों को जब गवाह बनने के लिए कहा जाए तो उन्हें इनकार नहीं करना चाहिए, मामला ख्वाह छोटा हो या बड़ा। मियाद के तयन के साथ, यानी कि उसका टाइम पीरियड जो है बाकायदा, उसकी दस्तावेज लिखवा लेने में कोई तसाहल ना, बड़ा मुआहदा हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो, उसको लिख लिया जाए, डॉक्यूमेंट कर लिया जाए उसको। अल्लाह के नजदीक ये तरीका तुम्हारे लिए ज्यादा इंसाफ पर मबनी है, इससे शहादत कायम होने में ज्यादा सहूलत होती है और तुम्हारे शकों को शुबहात में मुब्तला होने का इम्कान कम रह जाता है।
हाँ, जो तजारती लेन देन तुम दस बदस करते हो आपस में, इसको ना लिखा जाए तो कोई हर्ज नहीं, मगर तजारती मामले तय करते वक्त गवाह कह लिया करो, नुसरत भी गवाह बना लिया करो। कातिब और गवाह को सताया ना जाए, ऐसा करोगे तो गुनाह का इरतकाब करोगे। अल्लाह के गजब से बचो, वो तुम्हें सही तरीके अमल की तालीम देता है और उसे हर चीज का इल्म है, हर चीज सिखा रहे, ये करो वो ना करो, ये करोगे तो ये नुकसान है, ये करोगे तो ये फायदा है, कितनी सारी चीजें, यानी कि पूरा एक आप देखे ना मनी मैटर्स डिस्कस कर दिए कि मनी मैटर्स में कौन सा मनी जो है फायदेमंद है, कौन सा मनी नुकसानदेह है और कौन से मनी से फौरन जान छुड़ा लेनी चाहिए, यानी कर्ज। अगर तुम सफर की हालत में हो और दस्तावेज लिखने के लिए कोई कातिब ना मिले तो क्या करो, रहन बिलकब्ज पर मामला करो, यानी कि फौरन ही मॉर्गेज कर लो, कोई भी चीज अगर तुम्हें लिखने के लिए नहीं मिलती तो उसको वो चीज दे के मामला कर लो। अगर तुम में से कोई शख्स दूसरे पर भरोसा करके इसके साथ कोई मामला करे तो जिस पर भरोसा किया गया है उसको चाहिए कि अमानत अदा करे और अपने रब से डरे, और शहादत हरगिज ना छुपाओ, यानी गवाही ना छुपाओ, जो गवाही छुपाता है उसका दिल गुनाह में आलूदा है और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है। अच्छा जी, हम यहाँ पर आखिरी आयात देख रहे हैं सूरह अल बकरा की। बिल्लाहि माफिस समावाती व माफिल अर्द وَيَنْتُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ, आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है, तुम अपने दिल की बातें ख्वाह जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह बहरहाल उनका हिसाब तुमसे ले लेगा, फिर उसे इख्तियार है जिसे चाहे माफ कर दे और जिसे चाहे सजा दे, वो हर चीज पर कुदरत रखता है। सूरह बकरा की आखिरी आयात को पढ़ने से पहले मुझे एक दो रिवायतें मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन के बारे में मिलता है, ये सूरत उन्होंने 12 साल में मुकम्मल पढ़ी, और जिस दिन मुकम्मल हुई उस दिन उन्होंने खुशी में बड़ी ही ऊटनी ज़बा की, और कहते हैं कि बड़ी शानदार दावत की और बड़ी ऊँटी ज़बा करके, ये सदका करके और खून बहा करके कुर्बानी करके अल्लाह ताला से मजीद इसके अपने कुर्ब अम्बत का ऐलान भी तरह से उन्होंने किया। ने तकरीबन अब्दुल्ला बिन उमर ने 8 साल में मुकम्मल की, हमने तो 3 दिन में मुकम्मल कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम उसमें भी कुछ अरसे में अमल कर ही लेते हैं उसको, मगर फिर भी आप देखें कि अल्लाह सुबहान तआला ने हमारे लिए यहाँ पर सहूलत क्या रखी कि हमने मुख्तसरन इसको जो है वो 2-3 दिन में मुकम्मल कर लिया है, और अल्लाह ताला हमें सूरत के साथ एक तवील अरसा गुजारने की भी तौफीक दे कि हम इसको पढ़ते रहें और इंशाल्लाह लजीज अपनी जिंदगी में ढालते रहें। तो अल्लाह सुबहान तआला यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير। रसूल इस हिदायत पर ईमान ले आए जो उसके रब की तरफ से इस पर नाजिल हुई है, जो लोग इस रसूल के मानने वाले हैं उन्होंने भी इस हिदायत को दिल से तस्लीम कर लिया है, ये सब अल्लाह उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों को मानते हैं, और उनका ये कौल है कि हम अल्लाह के रसूलों को एक दूसरे से अलग नहीं करते, हमने हुक्म सुना और अतात कबूल कर ली, मालिक हमने तुझसे खता बख्शी के तलब तालिब है और हम तेरी ही तरफ वापस पलटते हैं, गफरान का रबना अल्लाह तेरी बख्शिश चाहिए। और क्या आता है हमारी इन आयतों के बारे में अहादीस के अंदर, अल्लाह सुब्हान तआला ने इसको अर्श के खजाने से दिया है, और अर्श के खजाने से जो चीज मिली हो उसकी कितनी अहमियत होगी, खजाने से निकलने वाली चीज खजाना ही तो होती है, इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है, बड़ी इसकी वैल्यू है। और इसके बारे में मजीद अल्लाह सुब्हान तआला क्या फरमाते हैं, कहते हैं ना सूरह अल बकरा पढ़ा करो, ये मुझे अर्श के खजाने से दी गई है। इब्न मसूद ने फरमाया जिसने हर रात को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ ली उसको वो काफी हो जाएंगी, और किन किन चीजों से काफी हो जाएंगी, हर तरह के शर से काफी हो जाएंगी, कोई चीज उसको नुकसान नहीं देगी। बाज़ुकात ये भी कहा गया कि तहज्जुद की नमाज भी किसी के अगर मिस हो जाए तो वो उसको पढ़ लेगा सूरह बकरा की आखिरी आयत को तो उसके लिए भी काफी हो जाएंगी, और शैतान से तो ये हिफाजत करने वाली है ही, जिस घर में 3 रातों तक ये आयतें पढ़ी जाती हैं तो वहां शैतान उनके घर के करीब भी नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस आयत में बहुत सारे अल्लाह ताला की तरफ से फायदे मिल रहे हैं, तो क्यों ना पढ़ें। और आप देखें ना यही चीजें जो है आपकी हिफाजत की दुआ की में भी शामिल है, और आपके रात के जो अजकार हैं उसके अंदर भी वाली आयतें शामिल हैं, तो जरूर अपना को एहतमाम करें रात को सोने से पहले पढ़ लें देख करके, और अगर याद हो गई तो अलहमदुल्ला लेटे लेटे पढ़ लें उसको, और अगर याद नहीं है तो उसको देख करके पढ़ लें और प्लान कर लें कि इसको याद कर लेना है इंशाल्लाह। ठीक है जी, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी जान पर उसकी कुदरत से बढ़कर जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालता,
हर शख्स ने जो नेकी कमाई है उसका फल उसी के लिए है, जो बदी समेटी है उसका वबाल उसी पर है। और क्या कहा गया ईमान लाने वालों से कैसी दुआ करनी चाहिए, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख्तअना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहू अलल लदीना मिन कब्लिना, ए हमारे रब हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाए उन पर गिरफ्त ना करना, मालिक हम पर वो बोझ ना डाल जो तूने हमसे पहले के लोगों पर डाले थे, ए परवरदिगार रब्बना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताकत लना बी, और उस बार को उठाने की ताकत जिसमें नहीं है हम में वो हम पर ना रख, वाफो अन्ना हमसे नरमी फरमा, वक्फिर लना और हम पर बख्शिश फरमा, हमसे दरगुजर फरमा, वरहमना और हम पर रहम फरमा, अंता मौलाना बस तू ही हमारा मौला है, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन तो हमारी काफिर कौम के काबले में हमारी मदद फरमा, आमीन। तो हम आइए दुआ कर लेते हैं। سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم فقهنا في الدين، اللهم ألهمنا رشدي وأعذنا من شر نفسي، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم رحمتنا أرجو فلا تكلنا إلى نفسي طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، اللهم اغفر لنا ذنبنا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا، اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا، وانقطاع أمرنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه واخلف علينا كل غائبة لي بخير، ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الهي امين، يا الله جن جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا تھا اللہ تعالیٰ ان سب کی دعائیں قبول فرما، تمام مریضوں کو شفا یاب کر، جس کے دل میں جو جو دعائیں ہیں جو جو تمنائیں ہیں جو جو آرزوئیں ہیں یا اللہ ان سب کو تو قبول فرما، اور جو اپنی مغفرت کی بخشش کی طلبگار ہیں اللہ ان کی بخشش ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، اور یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اور آج کل جتنے بھی بیمار ہر طرح کے لوگ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب بیماروں کو شفا یاب فرما، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.